उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज तीसरे दिन इमाऊपुर हंस वाहिनी स्कूल में मेयर नूतन राठौर द्वारा जनसेवा शिविर लगाया गया, जिसमें चल रही प्रदेश की सभी योजनाओं जैसे सुमंगला योजना, आयुष्मान योजना, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन के बारे में बताया और पंडित दीनदयाल जी का सपना साकार करने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और नगर की मेयर नूतन राठौर ने स्वच्छता का भी संदेश दिया। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मैडम जी, आज किस तरह का शिविर लगाया गया है? देखिए, आज जो वार्ड नंबर 36 नकला पछिया में है, हंस वाहिनी स्कूल में एक जनसेवा शिविर लगाया गया है। और जो केंद्र और प्रदेश की जो हमारी सरकारें हैं, जिनकी मंशा है और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों के भारत के निर्माण के लिए जो उनका सपना था कि अंत्योदय अंतिम पायदान पर बैठे हर एक व्यक्ति को सभी मूलभूत सुविधाएं मिले, जिनको ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के जनसेवा केंद्र हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगा रहे हैं और इससे जनता को बहुत ही बड़ा सहयोग मिलने वाला है। सब तरह की योजनाएं हैं, जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी अधिकारी मौजूद हैं, सभी स्टॉल पर काफ़ी फरियादी आए हैं और मुझे आशा है कि यहाँ पर जिस तरह के कैंप फिरोजाबाद में जगह जगह विधायक जी भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रही हूँ, ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं में भी लग रहे हैं और जनता को बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है इन कैंप के माध्यम से।